मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। याद आ गया वो गाना दोस्तों आपको? ये फिल्म महबूबा से लिया गया वो गाना है। म्यूजिक कंपोजर थे आर डी बर्मन साहब, लिरिक्स लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, जिसे गाया है दो सिंगरों ने अलग अलग ढंग से, लता जी ने और किशोर साहब ने। अभी जो वर्जन मैं आपको बताने वाला हूं वो किशोर साहब का वर्जन है, और अगर आप कहेंगे कि लता जी वाला भी बनाइए तो मैं लता जी वाला वर्जन का भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। दोनों सिंगरों ने अलग अलग ढंग से गाया, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है बट मोटा मोटी गाना सेम है, धुन भी लगभग सेम है। तो अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा मेरे नैना सावन भादो, इसका स्केल मैंने ओरिजिनल स्केल रखा है सी शार्प, जहां से ओरिजिनल गाना रिकॉर्ड हुआ है। आप चाहें तो उसको हाफ नोट नीचे भी गा सकते हैं सी से, क्योंकि ऊपर काफी गया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से स्केल चूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये राग शिवरंजनी पे आधारित गाना है। शिवरंजनी राग में कोमल ग का प्रयोग होता है, सारे ग प ध सा, इसमें म नहीं लगता और नी वर्जित है, म और नी दो स्वर वर्जित है। इसमें खूबसूरती के लिए कभी कभी शुद्ध ग का भी प्रयोग होता है, ठीक है, जो गानों में प्रयोग ज्यादा होता है। आइए मैं इसका आरोह आपको बताता हूं। सारे ग प ध सा द प ग रे ग रे ध सा। इसमें सुगम संगीत में या भजन वगैरह जब हम गाते हैं उसमें शुद्ध ग का भी प्रयोग करते हैं सुंदरता के लिए, जो फिल्मी गानों में ज्यादा हुआ है। जैसे देखिए प ग रे ग ग रे ध सा ध रे ग प ग ग, इस तरह से प्रयोग होते हैं गानों में। तो मेरे नैना सावन भादो में अलाप से शुरू होता है, किशोर कुमार साहब का अलाप है, कैसे देखिए। ठीक है, शुद्ध का कप प्रयोग है। सा ग गरे सा, अभी कोमल ग नहीं आया। ठीक है, सा ग करे सा, उसके बाद एक छोटा सा फ्लूट का पार्ट है। अभी मेरे नैना सावन भादा कहां शुरू होता है देखिए। मेरे नैना सावन भादा प से शुरू होगा, प सारे ग प मेरे नैना मेरे मेरे नैना। तो क्या था नोटेशन? प द स ध सा द सावन सावन रे सा ध प भादो दो। यहाँ पे प कोमल धा का भी प्रयोग, थोड़ा सा कर्ण लिया है। सावन भादो, ओके, नोटेशन क्या है? रे सा द प
फिर भी मेरा मन, फिर भी मेरा मन कैसे प द द द प ग ग फिर भी मेरा मन याद हो गया फिर प्यासा प्यासा कैसे देखिए प्यासा गपे कोमल गपे रुकेंगे प्यासा फिर भी मेरा मन इसे क्या नोटेशन था प ध द द प ग ग कोमल ग प्यासा कैसे प्यासा ये मुर्की जरा ध्यान से सुनना दो तरह से मुर्की लिया है मैं दोनों बताऊंगा आपको भी प्यासा रे ग रे ग प रे ग रे सा रे ग रे ग प रे ग रे सा प्यासा ओके जो तो सीखने वाली बात है ना वो मैं दो तीन बार आपको बताऊंगा जो आप कैच कर लोगे एक बार तो जिंदगी में कभी गाना कभी खराब नहीं गाओगे ये गाना प्यासा और कॉन्फिडेंस के साथ गाओगे प्यासा ठीक है अब नेक्स्ट लाइन फिर भी मेरा मन अब यहां देखिए राह पे थोड़ा रुकते हैं फिर भी सारे गा मेरा मन फिर भी मेरा मन मन कैसे आया फिर भी मेरा मन सारे ग प ध प ग ध प ग रे ठीक है मन तक हो गया प्यासा ग रे रे सा सा प्यासा प्यासा इस तरह से फास्ट करेंगे प्यासा ग रे रे सा सा तो फिर भी मेरा मन प्यासा सारे ग प ध प ग ध प ग रे रे सा सा ओके फिर दोबारा मुखड़ा होता है उसमें वेरिएशन लास्ट लाइन में है वो मैं बताऊंगा आपको बाकी सेम है मेरे नैना सावन सा ये थ्रू रखना सा सा मेरे नैना ना यहाँ पे खटका मारा है ना सप साधा सा सा साधा साधा मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा अब जो असल अंतर है वो दिखाता हूं फिर भी मेरा मन प्यासा अब ये मेरा पे देखिएगा पहले कैसे था मेरा और अभी कैसा है पहले वाला था फिर भी मेरा मन प्यासा इसका नोटेशन था सारे ग प ध प ग ध प ग रे ग रे रे सा सा तो ध प ग ध प था अब इसमें फिर भी मेरा मन फिर से में तो सारे ग प ध प ध प ग रे रे सा सा फिर भी मेरा देखिए फिर भी ये तो सही में पहले ऐसा मेरा में देखिए मेरा पधा पधा प यही चेंज है मेरा पहले वाले में तो ऐसा पधा प ग ध प अब कैसे मेरा ठीक है बहुत जरूरी है सुनना मेरा मन
प्यासा। सेम फिर सेम है सब, खाली मेरा का ध्यान रखिएगा आप। हाँ बुखड़ा खत्म। अब आते हैं अंतरा पे। इसमें अंतरा सा से शुरू होता है, सा से। बात पुरानी है, सा से। बात पुरानी है, रोटेशन है। सारे गा प धप ग रे गरे सा। बात पुरानी है, तो कैसे है? बात सारे गा पुरानी प ग रे है गरे सा। फिर एक कहानी है, इसमें नी पे थोड़ा सा खटका लगता है। नी नी प ध ध, ठीक है। एक सारे ग कहानी है, एक कहानी है। सारे गा प धब ग ध ध प प, कैसे? सारे गा प धब ग ध ध, पहला ध सिंपल है, ध ध प प। एक कहानी है, ओके। अब चेंज देखिए, कॉर्ड चेंज होएगा, शुद्ध गा पे आ जाएगा। सारे गा से देखिए। एक कहानी है, ये प पे छोटा। हाँ अब वहां से ग पे आते हैं। अब सो गा, अब ग से गा पा शुद्ध गा। अब सोचू तुम्हें, नोटेशन क्या है? गा पा 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 दा 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 पा पा गा, कैसे? अब सो गा पा 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 चू तुम्हें धा धा कोमल धा, शुद्ध धा कोमल धा, शुद्ध धा कोमल धा धा पागा, ठीक है। अब सो चू, ये चू यहाँ पे भी खटका लगाइएगा, चू दादा। अब सो चू तुम्हें, ठीक है। याद नहीं है, कैसे हुआ? गा प प प ध ध सा द द प ग, ठीक है। दोनों धा का प्रयोग, कोमल धा शुद्ध धा। याद नहीं है, ग प प द द सा द द प ग, याद नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अब सोचू ये चू सादा सा ग प प प सादा सा। अब सोचू चू ये जो सादा सा, अब सोचू ओके नहीं भूले शुद्ध गा वो सावन के झूले। फिर से मैं सिखाता हूं, अब सोचू से। अब सोचू नहीं भूले, यहां तक क्या है? ग प प प सा द सा रे सा रे गा गा, तो रे ग ग रे गा कुमन ग पहले गए, फिर रे पे आके फिर शुद्ध गा पे गए। रे गा शुद्ध गा। अब सोचू
नहीं भूले यानी दोनों में रे आते हैं रे गा ठीक है। अब आगे वो सा वो सावन के झूले वो सावन के कैसे हुआ वो सा गागर साधा गागर साधा वो सा वन धाधा के झूले रे सा सा। अब रे में भी खटका है रे सा रे रे सा 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 वो सावन के झूले गगर साधा रे सा 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 ठीक है। उसके बाद जैसे मुखड़ा आता है उसी तरह से मेरे न उसी तरह से अगली लाइन है रुत आए रुत पद सा रुत आए रुत जाए जाए कैसे जाए रे सादा प जाए देख देख प द प देख यहाँ पे हल्का सा ध का कोमल धा का भी कर लिया कर द प देख प द प रुत आए रुत जाए देख प द प झूठा प द प एक पागा ये पागा जो है मीट की जाता है एक झूठा एक पागा कोमल गपे मीट की जाता है झूठा एक दिलासा पद द प प ग ग रे ग रे ग प रे ग रे सा फिर भी मेरा मन प्यासा सारे ग प ध प ग ध प ग रे ग रे रे सा सा ठीक है। बस बाकी अंतरे भी सब सेम है तो मुझे लगता है कि ज्यादा लंबा वीडियो करके फायदा नहीं। अगर आपने एक अंतर समझ लिया तो आप दूसरे तीसरे अंतरे भी आप आराम से गा सकते हो। उसके बाद लता जी के गाने जो है थोड़े अलग है, मैं उसका भी आपको आप कहेंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं हमारी जो फीमेल जो है व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स अगर उन्होंने डिमांड किया तो मैं उसके लिए जरूर बना दूंगा। बाकी वो भी इस गाने को गा सकती है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इस गाने को अच्छे से सीख लिए होंगे और मिलते हैं फिर ऐसे किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्यार देने के लिए और सम्मान देने के लिए। थैंक यू।